हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बिल्डिंग सोलर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने थर्मल लॉस और ओमिक लॉस जो हमारे पीवीसी सॉफ्टवेयर में डिटेल लॉसेस वाले टैब में ओपन करके हमें जो लॉसेस वाले सब टैब ओपन होकर आते हैं उनको कैसे फिलअप करना है और ये लॉसेस क्या क्या होते हैं इनको डिटेल वाइज समझना, और तो इसमें हमारे पास जो दो लॉसेस है स्टार्टिंग के ओमिक लॉस एंड थर्मल लॉस उसके बारे में मैंने कम्प्लीटली बताया था। देन आज का हमारा जो नेक्स्ट लॉस है पीवीसी सॉफ्टवेयर में जो डिटेल लॉसेस टैब में ओपन करने के बाद आता है हमारे पास ओमिक लॉस के बाद, वो है एलआईडी मिसमैच एंड पावर मिसमैच लॉस। तो एलआईडी मिसमैच और पावर मिसमैच लॉस क्या होते हैं ये मैं आपको बताता जाऊंगा, और इनके पैरामीटर को पीवीसी सॉफ्टवेयर में कैसे फिलअप करना है, और ये लॉसेस क्या होते हैं और हमारे सोलर पावर प्लांट में कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी जनरेशन में, कितनी परसेंट वैल्यू इन डिटेल लॉसेस टैब की हमें रखनी चाहिए और कितनी परसेंट नहीं, और अपने प्रोजेक्ट टाइप और प्रोजेक्ट साइट के अकॉर्डिंग हमें इनकी वैल्यू क्या रखनी चाहिए ये आज हम सीखेंगे। वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर। ओके, तो दोस्तों पीवीसी सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे जो हमारे पास क्वालिटी एलआईडी एंड मिसमैच लॉसेस के पैरामीटर है या पावर मिसमैच लॉसेस जो होता है हमारे मॉड्यूल में, उस डिटेल्ड लॉसेस को हम पीवीसी सॉफ्टवेयर में कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे हम अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शो करते हैं तो समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेरा 100 किलोवाट का सोलर ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट डिजाइन में कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ओरिएंटेशन जियोग्राफिकल डेटा एंड सिस्टम डिजाइन कम्प्लीटली कर चुका हूँ। देन जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं जो है मॉड्यूल क्वालिटी लॉसेस एलआईडी लॉसेस एंड मॉड्यूल में होने वाला मिसमैच लॉसेस एंड पावर मिसमैच लॉसेस, तो उसको डिफाइन करने के यहाँ पर जो डिटेल्ड लॉसेस का टैब है इस पर हम ओके करेंगे। तो डिटेल लॉसेस टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर जो मॉड्यूल क्वालिटी एलआईडी एंड मिसमैच वाला टैब है इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार ऑप्शन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगे, जो हमारा मॉड्यूल क्वालिटी का है एंड मॉड्यूल मिसमैच का है यहाँ पर एंड एलआईडी लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन देन स्ट्रिंग वोल्टेज मिसमैच। तो ये जो चार लॉसेस है इनको आप कैसे फिलअप करना है, और ये जो लॉसेस है मॉड्यूल क्वालिटी मॉड्यूल मिसमैच तो इन लॉस के पैरामीटर यहाँ पे फिल कैसे करने हैं। तो जैसे यहाँ पर मॉड्यूल क्वालिटी वाला जो सबसे पहला टैब है तो यहाँ पर लिखा है जैसे मॉड्यूल एफिशिएंसी लॉस दैट इज -0.4% जो डिफॉल्ट वैल्यू है पीवीसी के थ्रू दी गई। तो मॉड्यूल क्वालिटी लॉस के लिए मेरे पास एक डेटा शीट है, जो वारी सोलर पीवी मॉड्यूल का मेरे पास एक डेटा शीट है 335 वॉट पिक का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो नॉमिनल मैक्सिमम पावर है 335 वॉट पिक है, और यहाँ पर पावर टॉलरेंस दिखा रहा है जो है +5 वॉट पिक, मींस प्लस और माइनस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टॉलरेंस दोनों फॉर्म में यहाँ पर दिखता था, बट आज के मॉड्यूल में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव पावर टॉलरेंस देखने को मिलता है, मींस हमारी जो पावर है 335 वॉट पिक वो +5 वॉट इंक्रीज होगी, ना कि -5, ना कि वो 330 वॉट पिक होगी, वो 340 वॉट पिक तक जा सकती है एक पीक टाइम में। तो अगर हम पीवीसी में मॉड्यूल एफिशिएंसी लॉस फिलअप करेंगे आज के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, तो मैं अपने मॉड्यूल में मॉड्यूल एफिशिएंसी लॉस को 0% ही रखूंगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरे मॉड्यूल की क्वालिटी है वो पॉजिटिव पावर टॉलरेंस और काफी बेटर क्वालिटी और बेटर एफिशिएंसी का मैं मॉड्यूल अपने माउंट कर रहा हूँ, तो मैं अपने मॉड्यूल एफिशिएंसी लॉस को 0% ही रखूंगा। आप अपने मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपको डेटा शीट मिलती है, जो भी वारंटी सर्टिफिकेट मिलता है उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिटी वहाँ पर डिफाइन की है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉड्यूल क्वालिटी लॉस को डिफाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पर एलआईडी लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। तो लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन क्या होता है, जब हम अपने मॉड्यूल को परचेज करते हैं तो वो सिंपली पैक्ड रहते हैं, मतलब हमारे मॉड्यूल जो कम्प्लीटली कवर्ड रहता है। तो फर्स्ट टाइम जब मॉड्यूल सनलाइट में बाहर आता है तो एनवायरमेंटली कंडीशन उस पर्टिकुलर साइट में डिफरेंट होती है, मींस जो हमारी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होती है उस कंडीशन से काफी डिफरेंट होता है। तो मॉड्यूल के सेल जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन से बने होते हैं कुछ डिग्रेड हो जाते हैं, तो यही डिग्रेडेशन ही मॉड्यूल में लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन यानी एलआईडी लॉस कहलाता है। तो आप यहाँ से डिफॉल्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, जो डिफॉल्ट वैल्यू पीवीसीएस की 2% है जो लॉस फैक्टर है, या आप टेक वैल्यू फ्रॉम मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन, या आपको जो मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन में या आपको जो पेन फाइल दी है मैन्युफैक्चरर ने जब आपने मॉड्यूल परचेस किया है तो वहाँ से भी आप उसका एलआईडी लॉस फैक्टर को यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। तो अभी मैं डिफॉल्ट वैल्यू जो पीवीसीएस मुझे 2% दे रहा है तो मैं उसमें ही टिक करके रख देता हूँ। देन नेक्स्ट है मेरा मॉड्यूल मिसमैच लॉस। तो मॉड्यूल मिसमैच लॉस हमारे पावर प्लांट में कई रीजन से होता है, तो हम एक रीजन से समझते हैं। जैसे हमारा एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में हमारे पास मॉड्यूल कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में हमारे पास लोअर करंट और लोअर वोल्टेज फ्लो कर रहा है तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हमें उस पूरी स्ट्रिंग में वही वोल्टेज और करंट हमें देखने को मिलेगी। तो ये इसलिए होता है कि जैसा कि अभी हम पिछले लॉसेस के बारे में बात कर रहे थे जो है हमारा एलआईडी लॉस, तो जब हम अपने मॉड्यूल को साइट में इंस्टॉल करते हैं तो सारे एनवायरमेंटली पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारे मॉड्यूल जो टेस्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे ही हमारे पास जो लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है उनकी
वो उसके अकॉर्डिंग होती है, जो हमारा 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, 25 डिग्री हमारा सेल टेम्परेचर होता है एंड 1.5 हमारा AM होता है। तो जो यूजुअली VMPP और VOC और IMP हमारे पास मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखे होते हैं, वो पैरामीटर हमें अपनी साइट में देखने को नहीं मिलते। तो हमारे पास अलग अलग मॉड्यूल में हमारे पास जो हमारे पास VOC है वो डिफरेंट मिलेगी, तो इसके कारण भी हमारे पास मिसमैच लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन एजिंग फैक्टर भी है, तो आगे जो भी लॉस अभी डिटेल लॉसेस पैरामीटर में देखने को मिलेंगे PVSYST सॉफ्टवेयर में अपना सोलर डिज़ाइन करते समय, तो जो लॉसेस है उसके कारण भी हमारे पास मिसमैच लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हमारे पास एजिंग लॉस आएगा, आगे इरेडिएशन फैक्टर है, टेम्परेचर फैक्टर है, तो ये सारे रीज़न है जो हमारे पावर प्लांट में मिसमैच लॉस होने के ज़्यादा चांसेस को बढ़ाते हैं। और जैसे यहाँ पर मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2% है, तो आप 2% की वैल्यू को ले सकते हैं। देन आगे जो डिटेल कंप्यूटेशन वाला टैब में, यहाँ पर आप उसको डिटेल्ड यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मीन्स आप जो अपने मिसमैच लॉसेज है उसको कम्प्लीटली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सेल्स आपके कितने सीरीज़ में लगे हुए हैं, यूनिट इन सीरीज़, और यहाँ पर कम्प्लीटली आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इरीडेशन कितना पड़ रहा है आपकी पर्टिकुलर साइड में, देन सेल टेम्परेचर कितना है हायर, और उसके शॉर्ट सर्किट करंट, देन यहाँ पर जैसे, तो इसको आप पूरा कम्प्लीटली इसको डिज़ाइन कर सकते हैं आप मॉड्यूल मिसमैच लॉस को। तो ये पूरा डिटेल्ड स्टडी है मॉड्यूल मिसमैच लॉस का, आप यहाँ से भी अपनी साइट के अकॉर्डिंग अपने मॉड्यूल के या अपनी पर्टिकुलर सीरीज अपने मॉड्यूल के या अपने कंप्लीट पावर प्लांट के जो भी मिसमैच लॉसेज हो रहा है उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और उसका शो डायग्राम ग्राफ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ ओपन हो गया है, तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये VMPP लॉस एवरेज मीन्स मैक्सिमम पावर पॉइंट पे जो आपकी पावर लॉस हो रही है वो 2.4% हो रही है। देन करंट लॉस एज फिक्स्ड वोल्टेज एवर, तो और जो करंट लॉस हो रहा है आपका, ये जो ब्लू लाइन है ये आपकी ब्लू लाइन आपका करंट लॉस दिखा रहा है, जो हमारा 5.4% हो रहा है। तो ये आपके लॉस पैरामीटर यहाँ से दिखा रहे हैं जो ग्राफ में, और ये रैंडम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो कर रहा है इस साइड में, तो आप इसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, देन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद जो हमारा फाइनल यहाँ पर लॉस पैरामीटर है वो है स्ट्रिंग वोल्टेज मिसमैच लॉस। तो पावर लॉस एट MPP यहाँ पर 0.1% शो कर रहा है। तो अगर इसकी डिटेल स्टडी में भी जाते हैं तो स्ट्रिंग वोल्टेज मिसमैच लॉस वही हो गया जो आपका मॉड्यूल मिसमैच लॉस है। इसमें मैंने पावर, वोल्टेज, करंट और जो भी यहाँ पर मिसमैच होने के चांसेस होते हैं, जो भी कंडीशन होती है मॉड्यूल मिसमैच लॉस होने की, वो मैंने सारी कंप्लीटली यहाँ पर बता दी है। तो स्ट्रिंग वोल्टेज मिसमैच लॉस भी तभी होगा जब आपका किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वोल्टेज और करंट की लोअर वैल्यू आ रही है, तो स्ट्रिंग वोल्टेज मिसमैच लॉस का यहाँ पर वही मतलब है। तो आप भी इसकी अगर डिटेल स्टडी में जाएंगे, डिटेल स्टडी इसकी करने के लिए, मतलब डिटेल अगर आप मिसमैच लॉस के पैरामीटर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको आपकी जो कंप्लीट स्ट्रिंग है जो मैंने बनाई है, 20 स्ट्रिंग मेरी थी 100 किलोवाट पावर प्लांट में, तो मेरी 20 स्ट्रिंग में यहाँ पर स्ट्रिंग वाइज मिसमैच मेरे को बता रहा है कि मेरा मिसमैच लॉस कितना यहाँ पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर ग्राफ वाइज इसने शो किया है, और जो भी टूल्स हैं ग्राफ, स्ट्रिंग, वोल्टेज, मिसमैच लॉस, तो ये पूरी डिटेल स्टडी होगी आपके मिसमैच लॉस के होने की। तो आपने यहाँ पर सारे लॉसेस पैरामीटर फिलअप कर देने अपने साइट के अकॉर्डिंग, एंड देन यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा LID मिसमैच एंड पावर लॉस का टैब, ये हमने आज कम्प्लीटली सीख लिया है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर डिटेल लॉसेस टैब में अगर कोई भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करें।